सभी कंपटीशन परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका पहला सवाल है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां सूर्य हरा दिखाई देता है? आपका ऑप्शन है ए नॉर्वे में, बी भारत में, सी जापान में, डी अंटार्कटिका महासागर में। आपका सही जवाब होगा डी अंटार्कटिका महासागर में। आपका दूसरा सवाल है, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए चिली देश, बी भारत देश, सी तिब्बत देश, डी नाइजीरिया देश। आपका सही जवाब होगा ए चिली देश। आपका तीसरा सवाल है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए सोना, बी लोहा, सी तांबा, डी चांदी। आपका सही जवाब होगा बी लोहा। आपका चौथा सवाल है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी शाहजहां। आपका सही जवाब होगा डी शाहजहां। आपका पांचवा सवाल है, भूकंप आने के समय कौन सी गैस निकलती है? आपका ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी रेडॉन, सी कार्बन, डी मोनोऑक्साइड। आपका सही जवाब होगा बी रेडॉन। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, छह चूहे के मुंह में कितने दांत होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 12 दांत, बी 14 दांत, डॉट सी 18 दांत, डी 20 दांत। आपका सही जवाब होगा ए 12 दांत। आपका सातवां सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 2 अक्टूबर, डी 26 नवंबर। आपका सही जवाब होगा डी 26 नवंबर। आपका आठवां सवाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी भोपाल, सी नेपाल, डी गुजरात। आपका सही जवाब होगा बी भोपाल। आपका अगला सवाल है, नौ इंसान अपनी जिंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है? आपका ऑप्शन है ए 12 साल, बी 15 साल, सी 18 साल, डी 25 साल। आपका सही जवाब होगा डी 25 साल। आपका दसवां सवाल है, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी सिंगापुर, डी पाकिस्तान। आपका सही जवाब होगा सी सिंगापुर। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, 11 विश्व की पहली बार पुस्तक छापने वाला देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी जापान, डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा ए चीन। आपका अगला सवाल है, 12 ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? आपका ऑप्शन है ए 2 वर्ष, डॉट बी 4 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 5 वर्ष। आपका सही जवाब होगा बी 4 वर्ष। आपका अगला सवाल है, 13 गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे
का सही अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए व्यर्थ श्रम करना, बी कब्रिस्तान से शरारत करना, सी पुरानी बातों को दोहराना, डी अंतिम संस्कार करना। आपका सही जवाब होगा सी पुरानी बातों का दोहराना। आपका अगला सवाल है 14। फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? आपका ऑप्शन है ए कब्ज, बी पथरी, सी कैंसर, डी पेट दर्द। आपका सही जवाब होगा ए कब्ज। आपका अगला सवाल है 15। राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 10 नवंबर, बी 11 जून, सी 13 नवंबर, डी 12 नवंबर। आपका सही जवाब होगा डी 12 नवंबर। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 16। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा साबुन बिकता है? आपका ऑप्शन है ए डेटल, बी लक्स, सी लाइफ बॉय, डी रिन। आपका सही जवाब होगा ए डेटॉल। आपका अगला सवाल है 17। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए एलन मस्क, बी न्यूटन, सी पास्कल, डी चार्ल्स बेबेज। आपका सही जवाब होगा डी चार्ल्स बेबेज। आपका अगला सवाल है 18। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है इधर की बात उधर करना, बी बहाने बनाना, सी व्यर्थ समय गवाना, डी कपट करना। आपका सही जवाब होगा बी बहाने बनाना। आपका अगला सवाल है 19। नहाते टाइम पेशाब लगना किस बीमारी का लक्षण है? आपका ऑप्शन है ए कैंसर, बी सुगर, सी इन्फेक्शन, डी किडनी फेल। आपका सही जवाब होगा सी इन्फेक्शन। अब यह सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है भारत के किस शहर को पिंक सिटी भी कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए जयपुर, बी उदयपुर, सी दिल्ली, डी राजस्थान। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए। धन्यवाद। सभी कंपटीशन परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।